बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके ऑपरेशंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सब कुछ हम अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, यानी कि उससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं सॉल्व कर देता हूँ, जो कि उसके ऑपरेशंस जो हमने पढ़े हैं, सम या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है, वो उससे क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि यानी कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 8, 9। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म या ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्म में, और दूसरा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ कि 5, -6। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, मतलब ये भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है। तो दोनों हमने, यानी कि मैं एक, इससे तो ये जाहिर भी हो गया कि हम एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जो पहले हमने देखी थी वो नहीं है, ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अलावा हमने इस पर ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करने हैं वो मैं ये लिख देता हूँ। एक हमने सम फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम फाइंड करना है, एडिशन फाइंड करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है डिफरेंस भी हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि सब्ट्रैक्शन आप कह रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो हम फाइंड करेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन हम फाइंड करेंगे या प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तीन ऑपरेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सम, पहला जो है ऑपरेशन वो क्या है, सम, यानी कि एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलें वो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। 8, 9 प्लस 5, -6, ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उनके दरमियान मैंने प्लस का ऑपरेटर यानी कि लिख दिया है, यानी कि इसके दरमियान ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करें हम, सम का या एडिशन का। तो किस तरह से फाइंड करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया जाता है। और ये एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जो पहला पार्ट होता है, यानी कि पहला नंबर जो लिखा होता है, ठीक है, कॉमा से पहले, वो रियल पार्ट होता है, ठीक है, और जो कॉमा के बाद होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरह से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हम लिख देते हैं कि ये रियल पार्ट है और -6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। और हमें पता है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, ठीक है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं ऑपरेशंस में। तो चलें हम इस पे परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशन के 8 + 5, यानी कि 8 भी रियल पार्ट है, 5 भी रियल पार्ट है, 8 + 5 कॉमा, अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो 9 आपको नजर आ रहा है, ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में 9 जो है इमेजिनरी पार्ट है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट है -6। तो यहाँ पर प्लस माइनस की या -6 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, यानी कि 8 + 5 जो है वो 13 होता है, तो इसको हम 13 लिख देंगे। उसके बाद 9 - 6 मतलब के 3, ठीक है, और ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 13, 3, या फिर इसको हम दूसरी तरह अगर मैं रिप्रेजेंट इसको करना चाहूँ तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 + 3 आयोटा, ठीक है, जिसमें से 13 आपको ज़्यादा समझ आ चुकी होगी कि 13 इसमें रियल पार्ट है और 3 इसमें इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा यानी कि रियल है या कौन सा इमेजिनरी है। तो ये तो चले हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया कि सम का, सम इक्वल आ चुका है हमारे पास 13, 3 के, ठीक है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डिफरेंस को, यानी कि सब्ट्रैक्शन बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो 8, 9 है और 5, -6 है, 8, 9 और 5, -6, और इसके दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए क्या ऑपरेटर होता है, माइनस का, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें से फाइंड करते हैं
इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। किस तरह से फाइंड किया जाता है? रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से माइनस करना है। जिस तरह से यानी कि आप कह सकते हैं कि एडिशन है, उसी तरह से सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस का जो है ऑपरेटर बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 5 कॉमा, इसमें इमेजिनरी पार्ट 9 है, 9 माइनस, और माइनस ये ऑपरेशन का है। ठीक है, माइनस, और ये -6 जो है वो ऑलरेडी -6 है, ये ऑपरेशन का नहीं है, ये पहले से मौजूद था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या ऑपरेटर बनता है। ठीक है, 8 माइनस 5 क्या होगा? 8 माइनस 5 3 होता है, और उसके अलावा 9, अब ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 9 प्लस 6 बन जाएगा। ठीक है, और इसको मजीद सॉल्व करें तो 3 कॉमा 15 हमारे पास जो है रिजल्ट आता है, 3 कॉमा 15। तो इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट अगर हम करें तो 3 प्लस 15 आयोटा हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसमें से 3 जो है वो रियल पार्ट है और 15 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, और एज ए होल ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये रिजल्ट है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन का, मतलब कि हम डिफरेंस फाइंड कर चुके हैं जो कि 3 प्लस 15 आयोटा आया है, या 3 कॉमा 15 आया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम लास्ट ऑपरेशन फाइंड करते हैं, जो हमने यहाँ पर फाइंड करना है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करेंगे इन दोनों का? चलें फाइंड करते हैं। ऑपरेशन तो हम पहले समझ चुके हैं प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो 8 कॉमा 9 इंटू दूसरा हमारे पास है 5 कॉमा माइनस 6। ये दो हमारे पास यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमने पढ़ा था फार्मूला, या उस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ना, तो हम उसी तरह से फाइंड करेंगे। मैं चले यहाँ पर अलहदा से लिख भी देता हूँ कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो तो। ए कॉमा बी, अगर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सी कॉमा डी है, तो ए सी माइनस बी डी, ठीक है, ये रियल पार्ट बनेगा, और उसके बाद ए डी प्लस बी सी, ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा, और इस तरह से इसको ब्रैकेट में आप लिख देंगे। तो मतलब कि अब हम इसको लिख सकते हैं, यही हमने फाइंड करना था ना, तो 8 कॉमा 9 इंटू 5 कॉमा माइनस 6 जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो ए सी यानी कि 8 इंटू 5 40, ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन है, और बी डी, बी क्या है? 9, और डी क्या है? -6, 9 इंटू -6 54 बनता है, -54 बनता है। ठीक है, 9 इंटू -6 इज -54। अच्छा, उसके अलावा उसके बाद कॉमा है, और उसके बाद ए डी यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू यानी कि 8 इंटू -6, ये क्या बनेगा? -48 ए डी, और उसके बाद प्लस बी सी, बी इंटू सी, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 5, 9 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, +35 बल्कि ये 45 बनता है, 9 इंटू 5 इज 45। अच्छा, अब इसको हमने बस सिंप्लीफाई करना है, 40, और इसके बाद आप देख सकते हैं माइनस माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस बन जाएगा +54, 40 प्लस 54, और कॉमा, और -48 प्लस 45, या मैं पहले पॉजिटिव नंबर को लिखता हूँ उसके बाद नेगेटिव को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप रीअरेंज कर लें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें। 40 प्लस 54 जो है आपके पास रिजल्ट में 94 आएगा, और 45 में से अगर 48 माइनस करें, या फिर आप इसे कह सकते हैं नेगेटिव आप साइन लगाएं और 48 में से 45 माइनस कर लें, तो -3 आपके पास यानी कि रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारे पास आया है, जो इसकी वैल्यू क्या है? रियल पार्ट में 94 और इमेजिनरी पार्ट में -3, यानी कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, कर चुके हैं 94 कॉमा -3। यही 3 ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने थे, और हमने परफॉर्म करके उनकी यानी कि उनके रिजल्ट फाइंड कर लिए। अच्छा, ये तो चलें हमने अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा उसको हमने यानी कि अप्लाई भी कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो उसी के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है, ऑफ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं या कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज बनती हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, रियल नंबर्स में तो हमने देखा है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। रियल नंबर्स की अगर बात की जाए, इन रियल नंबर्स, तो फिर हमारे पास इन रियल नंबर्स हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनती है। रियल नंबर्स में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बनती है जीरो, ठीक है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर में आप ऐड करें दोबारा से वही नंबर आ जाए। सपोज मैं कहता हूं कि एक हमारे पास रियल नंबर 4 है, इसमें मैं एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो को ऐड करता हूं, रिजल्ट में हमारे पास दोबारा से यही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है कि जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर हमारे पास रिजल्ट में मिले। लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होता है, दी एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज 0.0, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं 0.0, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0+0 iota, ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो ये हमारे पास यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब आप देख सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी वाकई में ये कैसे है कि सपोज मैं कहता हूँ कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो सपोज कहते हैं जी कि a, b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम ऐड कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को 0.0 को, तो चेक करते हैं दोबारा हमारे पास यही रिजल्ट आता है या नहीं आता। a+0 यानी कि रियल नंबर में रियल नंबर ऐड होगा, ठीक है, और इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर ऐड होगा। a+0, b+0, ठीक है, यानी कि a, b ही बनता है, यानी कि यही वही हमारे पास रिजल्ट में वही नंबर आ गया। इसका मतलब है कि वाकई ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, बाकी किसी भी आप नंबर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक यानी कि ले लें आप कॉम्प्लेक्स नंबर और इसमें एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चलें एडिटिव आइडेंटिटी हमने देख लिया, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स रियल नंबर्स में अगर बात की जाए, मैं रियल नंबर से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि हम रियल नंबर्स पहले पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा उससे रिलेट करके। तो चलें, रियल नंबर्स में हमने देखा था, इन रियल नंबर्स हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होता था, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास 5 एक रियल नंबर है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, 5 एक हमारे पास रियल नंबर है और उसकी उसका एडिटिव जो इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स -5 होगा। अगर ये यानी कि -6 हमारे पास मौजूद है एक नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा +6, ठीक है, यानी कि साइन चेंज कर दें तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स बन जाता है। तो चलें, ये तो हमारे पास हो गया रियल नंबर्स में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास किस तरह से एडिटिव इनवर्स होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है कि हमारे पास दो यानी कि होते हैं ना पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों को आप दोनों के साइन चेंज कर दें तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाता है, ठीक है। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर
ए कॉमा बी एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, तो हैज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स बनता है। मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि 4.5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स इक्वल होगा -4.-5 के, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट को भी आपने नेगेटिव कर देना और इमेजिनरी पार्ट को भी आपने नेगेटिव कर देना, या आप कह लें कि साइन को चेंज कर देना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इस केस में क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो ये है हमारे पास, या दोनों के अगर डिफरेंट साइन हो फिर क्या होगा, चलें वो भी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ 9 और 11, 9.-11, ये हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका एडिटिव जो है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 9 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है वो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये इसका आप कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स है। कॉन्जुगेट से अगर आप रिलेट करके देखें तो कॉन्जुगेट में क्या होता था, कॉन्जुगेट में हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते थे, और इस केस में क्या है एडिटिव इनवर्स के केस में, कि दोनों पार्ट्स चाहे वो रियल है या इमेजिनरी है, दोनों पार्ट्स को हम यानी कि उसके साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास जो है उसका एडिटिव इनवर्स आ जाता है। अच्छा, ये एडिटिव आइडेंटिटी भी हो गया, एडिटिव इनवर्स भी हो गया, अब हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में आप अगर रियल नंबर्स की बात करें, रियल नंबर्स में हमने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, ठीक है, वो क्या होता है, वन होता है, वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। एम आई से मैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कह देता हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या बनता है। चलिए उससे पहले हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को देखते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है। मतलब किसी भी नंबर को आप उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा से वही नंबर आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि आप ऐड करें तो वही नंबर आ जाए, ठीक है, किसी भी नंबर को आप उसमें ऐड करें तो वही नंबर आ जाए आपको, आप उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नाम से जाहिर है कि किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा वही नंबर आना चाहिए। सपोज मैं कहता हूं कि 7 हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, अभी मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो 7 एक रियल नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि 1 है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, 7 × 1 इज 7, यानी कि दोबारा से हमारे पास वही रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, यही हमारे पास डिजिट आ गया, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना साइन का फर्क पड़ा ना वैल्यू का फर्क पड़ा, ठीक है, तो इसको इस नंबर को यानी कि 1 को हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। यही कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है वो है 1.0। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स वन कॉमा जीरो इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1.0 क्या मतलब, 1 रियल नंबर 1 हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसको हमने 0 कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई किस तरह होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें और चेक करें वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आता है मल्टीप्लीकेशन के बाद या नहीं, ठीक है। चलें हम जनरली ले लेते हैं, ए कॉमा बी एक नंबर लिया मैंने, उसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल होता है कि ए इंटू सी यानी कि ए इंटू 1 हो जाएगा, ए इंटू 1 ए सी माइनस बी डी, ठीक है, बी इस केस में बी ही है और डी इस केस में 0 है, बी इंटू डी, ठीक है, बी इंटू 0 हो गया, उसके बाद
ए सी माइनस बी डी, उसके बाद ए इंटू डी, ठीक है, ए इंटू डी, ए इस केस में ए है और डी इस केस में जीरो है, ए इंटू इंटू डी जीरो, और प्लस बी इंटू सी, बी इंटू सी, बी इंटू वन हो जाएगा। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पर अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई किया। अब हम रिजल्ट में देखते हैं क्या आता है। ए इंटू वन इज ए माइनस जीरो कॉमा ए इंटू जीरो इज जीरो प्लस बी इंटू वन इज बी। इसको मजीद सिंपलीफाई करें, ए माने से ए से जो है जीरो माइनस करें तो ए रिजल्ट में आएगा और जीरो प्लस बी जो है वो बी आएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो दोबारा से हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ गया। तो फिर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसको हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या इसको आप प्रूफ भी कह सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हमने देख लिया, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है मैं उसका फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका प्रूफ जो है आपके बुक के स्कोप में नहीं है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उसका फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है ए कॉमा बी, इसका हमने अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या ये वाकई ऐसा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें किसी, यानी कि जिसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखें ए बी इसको, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करें ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसको मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो आपके पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी कि 1,0, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, ये आप खुद से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप खुद से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में आपके पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आप वाकई में ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ही है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर देंगे 1.2, यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।